Hi guys, we'll start away with the next topic, DPP, Direct Product Profitability. Now, this chapter is mainly applicable to a retail sector, as you all know. Apart from that, we are just trying to revise important concepts which we have done in the classroom. Ke andar kar chuke hai. Now, DPP is basically an attempt to find out that when you are in a retail business, ke andar hote ho, aap log प्रॉफिट पर यूनिट कितना कमाते हो. प्रॉफिट पर यूनिट बस. ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट्स के ऊपर आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हो आप उनको ज़्यादा प्रायोरिटी भी दोगे. यू विल ट्राई कि कस्टमर्स वो वाले प्रोडक्ट ज़्यादा देखें. आप उनको आईज लेंथ पे रखोगे ताकि कस्टमर्स सी दोस प्रोडक्ट्स मोर, बाई दोस प्रोडक्ट्स मोर, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े. ट्रेडिशनली हम लोग क्या कर लेते थे कि हर एक रिटेल सेक्टर जो होता था ग्रॉस प्रॉफिट निकालता था. ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिलेगा? सेलिंग प्राइस माइनस परचेज कॉस्ट. द डिफरेंस इन दिस पर्टिकुलर केस विल बी नथिंग बट ग्रॉस प्रॉफिट. जिस प्रोडक्ट का ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आया दैट प्रोडक्ट विल बी बेटर. लेकिन ज़रा सोचो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालते वक्त सिर्फ एक ही कॉस्ट लिखा है, परचेज कॉस्ट. कभी कभी क्या होता है, सपोज कोई एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का, ठीक है, फर्स्ट प्रोडक्ट, उसके अंदर 70 रुपीज़ का परचेज कॉस्ट है तो ग्रॉस मार्जिन 30 का है. कोई और प्रोडक्ट है, सपोज वो 200 है उसका, ठीक है, जो सेलिंग प्राइस है, उसके अंदर जो अपना परचेज कॉस्ट है ना, इन दिस केस वो 160 रुपीज़ का है. सो देयरफॉर प्रॉफिट जो मिलता है वो ज़्यादा मिलता है, 40. तो अब ज़रा सोचो, व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी? तुम लोग को एक यूनिट ऑफ ए बेचने का है कि एक यूनिट ऑफ फर्स्ट वाला प्रोडक्ट वो बेचने का है कि सेकेंड वाला, लेट्स कॉल दैम एज ए एंड बी. सर सेकेंड वाला प्रोडक्ट ही बेचने का है क्योंकि जब एक यूनिट ऑफ बी बेचते हैं कितने रुपीज़ का प्रॉफिट कमा लेंगे सर? 40. ऑब्वियसली ह्यूज प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट. ओके, एज कम्पेयर टू ए इट इज़ ह्यूज प्रॉफिट. बट देन वी थॉट यार इसके अलावा, परचेज कॉस्ट के अलावा भी तो कई डायरेक्ट खर्चे हैं हमारे. एग्जाम्पल, शायद ऐसा हो प्रोडक्ट बी को बिकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है तो वो हमारे दुकान में ज़्यादा टाइम रहता है तो यार फिर तो उसको ज़्यादा कॉस्ट भी चार्ज करना चाहिए था. लेकिन हम लोगों ने वो वाली कॉस्ट के बारे में तो सोचा ही नहीं. हम लोगों ने सिर्फ कौन सी कॉस्ट के बारे में सोचा? इन दिस केस हम लोगों ने सोचा, इन दिस केस वी विल ओनली ट्राई टू टॉक ऑफ परचेज कॉस्ट. वो गलत हो गया. सो डीपीपी वॉज एन अटेम्प्ट इन दिस पर्टिकुलर केस टू ट्राइंग टू फाइंड आउट अदर कॉस्ट विच कैन बी चार्ज टू द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल, प्रोडक्ट बी वाला जो प्रोडक्ट है ना उसको अपने को रेफ्रिजरेटर के अंदर डालने की जरूरत पड़ती है, ए को डालने की जरूरत नहीं पड़ती. तो बी को फिर तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज़्यादा ही चार्ज होना चाहिए. ओके, दिस विल गिव यू करेक्ट एनालिसिस किस प्रोडक्ट का प्रॉफिट ज़्यादा है. दैट इज़ योर डीपीपी, डायरेक्ट प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. एक कंसेप्ट जो रिटेल कंपनीज बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लोग हर एक चीज़ मॉनिटर करते हैं. आई विल गिव यू स्मॉल एग्जाम्पल. अब डीमार्ट, आप वॉलमार्ट, आप ये कंपनीज अगर वो देखेंगे तो वो लोग जब प्रोडक्ट बेचते हैं, ओके, द मोमेंट दे सेल द प्रोडक्ट, द मोमेंट दे डू दैट स्कैनिंग, वो बारकोड वाला, बैक एंड पे सारा डेटा जनरेट होता है. डेटा मतलब ये वाला प्रोडक्ट कब खरीदा गया था, कब स्टोर्स के अंदर आया था, बिकने के लिए कितना टाइम लगा. ओके, सेलिंग इज अ साइंस टूडे. यू गॉट टू बी जनरेटिंग डेटा ताकि आपको पता चले. तो अगर कोई प्रोडक्ट को बिकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, अगर उसके ऊपर प्रॉफिट पर यूनिट भी ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, अगर उसको बिकने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, इससे अच्छा वो वाले प्रोडक्ट्स ज़्यादा लेकर आते हैं जिनके ना प्रॉफिट पर यूनिट तो कम है लेकिन जो जल्दी जल्दी बिक जाते हैं तो अपने को टोटल प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा. ओके, तो दिस इज ट्रेडिशनल सिस्टम. नाउ दिस इज डीपीपी सिस्टम ऑफ फाइंडिंग प्रॉफिट. ओके, हम लोग डीपीपी सिस्टम के अंदर क्या कर लेते हैं, सेलिंग प्राइस लेंगे, परचेज कॉस्ट लेंगे, एंड दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस. हम लोग यहां पर बाकी सारा कॉस्ट आल्सो वी विल ट्राई टू पुट ओवर हियर. कौन सा बाकी सारा कॉस्ट? वेयर हाउसिंग कॉस्ट, रिटेल कॉस्ट एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. व्हाट इज वेयर हाउसिंग कॉस्ट? एग्जाम्पल, सपोज कोई एक रिटेलर है, से बिग बाजार हो गया, डी मार्ट हो गया, वॉलमार्ट हो गया. अभी सपोज मुंबई, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस उसके यहाँ पे 5 स्टोर्स हैं. वो लोग क्या करते हैं, इन मुंबई दे हैव अ सेंट्रलाइज्ड वेयर हाउस, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरर को बोल देते हैं
कि आप ना गुड्स इधर डाल दो, मैन्युफैक्चरर गुड्स जो है इधर ट्रांसपोर्ट कर देता है, और उनके 5 सेल्स आउटलेट्स हैं बॉम्बे के अंदर. जब भी कोई सेल्स आउटलेट्स का स्टॉक कम हो जाता है, वो लोग सेंट्रल वेयरहाउस के ना फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा स्टॉक अभी ख़त्म होने वाला है, आप लोग न्यू स्टॉक भेज दो. तो ज़रा सोचो, कोई भी प्रोडक्ट आएगा वो पहले थोड़े दिन तक यहाँ पर रहेगा. जो प्रोडक्ट ज़्यादा देर तक यहाँ पर रहेगा, इट शुड गेट मोर अमाउंट ऑफ वेयर हाउसिंग कॉस्ट. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. तो वो एक कॉस्ट उसको ज़्यादा ही चार्ज होना चाहिए. वो वाली कॉस्ट हम लोग इग्नोर कैसे कर सकते हैं, वो भी तो कॉस्ट है. एंड ऑनेस्टली दैट विल डिपेंड अपॉन कि स्टोर्स जो हैं तुम्हारे, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये जो तुम्हारे स्टोर्स हैं, ये वाले स्टोर्स डिमांड कभी जनरेट करते हैं. अगर वो डिमांड स्लो जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली दे विल, यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं दे विल रिमेन इन दिस वेयर हाउस फॉर अ लॉन्गर टाइम, दे विल गेट मोर कॉस्ट. दैट इज फर्स्ट. सेकेंड, जब भी कोई स्टोर्स, मैं इसको स्टोर्स बोलता हूँ, तो मेरे पास 5 स्टोर्स हैं. स्टोर नंबर 1 का कोई एक प्रोडक्ट का स्टॉक खत्म हो रहा था, उसने सेंट्रल वेयर हाउस को बोला कि भाई मेरे को 1000 यूनिट्स और भेज दे. तो यहाँ से इसने अपना वैन भेजा गुड्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वो भी तो एक तुम्हारा कॉस्ट है, वो भी तो चार्ज होना चाहिए. ओके, लास्ट थिंग, गुड्स यहाँ पर पहुँच गए, उसके बाद बेचने भी तो हैं. सपोज कोई एक स्टोर्स 1 के अंदर आज गुड्स पहुँच गए, अप्रॉक्सीमेटली 13 डेज के बाद कस्टमर आके खरीद लेता है, तो 13 दिन तक गुड्स उधर रहे ना, 13 दिन का कॉस्ट चार्ज करो. इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो सकता है, रेंटल कॉस्ट हो सकता है, कोई और प्रोडक्ट जिसको बिकने के लिए 18 दिन लगता है उसको ज़्यादा रेंटल कॉस्ट चार्ज होना चाहिए. ओके, दैट इज़ वॉट एवर मैटर्स. तो इट इज़ बेसिकली एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट करेक्ट प्रॉफिट. सो DPP, आई ट्राई टू से फॉर अ रिटेल सेक्टर, इज़ अ ऑसम न्यू थिंग. जहाँ पे भी ट्राई टू से ग्रॉस प्रॉफिट बेकार चीज़ है. हम लोग क्या करेंगे, तेरे को 3 और कॉस्ट देंगे. कौन से 3 कॉस्ट? वेयर हाउसिंग कॉस्ट एट द सेंट्रल वेयर हाउस, सेकेंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड थर्ड वाला जो तुम्हारा कॉस्ट है दैट इज नथिंग बट रिटेल स्टोर्स का कॉस्ट. दैट इज इम्पॉर्टेंट. तो और जब आप ये वाला कॉस्ट चार्ज करोगे, तो देन इन दैट पर्टिकुलर केस वी हैव टू कंसिडर अदर थिंग्स ऑल्सो. कॉस्ट टू बी डिवाइडेड इन वॉट रेशियो और वॉट फैक्टर्स यू हैव टू कंसिडर. वेयर हाउसिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ मंथ्स प्रोडक्ट विल बी इन द वेयर हाउस बिफोर बींग डिस्पैच टू द स्टोर्स, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू. स्पेस ईच प्रोडक्ट विल ऑक्यूपाई, कॉमन सेंस है ना बेटा, कोई प्रोडक्ट विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस तो उसको ज़्यादा कॉस्ट चार्ज होना चाहिए. तो वेयर हाउसिंग कॉस्ट जब डिवाइड करते हो तो ये दोनों चीज़ें कंसिडर कर लेना. सेकेंड, रिटेल स्टोर कॉस्ट, सेम चीज़, नंबर ऑफ मंथ्स बिफोर द प्रोडक्ट विल बी इन द वेयर हाउस बिफोर बींग स्टोर, ये स्टोर्स होना चाहिए. नंबर ऑफ मंथ्स प्रोडक्ट विल बी इन द स्टोर्स बिफोर बींग सोल्ड. एग्जाम्पल, कोई एक प्रोडक्ट स्टोर नंबर 1 के अंदर आ गया, ठीक है, स्टोर नंबर 1 के अंदर आ गया, उसको 13 दिन लगता है, तो 13 दिन का कॉस्ट तो लगना चाहिए उसके अंदर. ठीक है, वो एक कॉस्ट है. दूसरा, स्पेस ईच प्रोडक्ट विल ऑक्यूपाई. ज़रा सोचो ना, तुम लोग डीमार्ट जाते हो या बिग बाज़ार जाते हो या जो रिलायंस के भी आजकल जो स्टोर्स वगैरह वो खुले, वहाँ पे गुड्स रैक्स के ऊपर वो पड़े होते हैं. अगर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा जगह लेगा तो कंपनी सोच सकता है इसके बदले में वो वाले प्रोडक्ट्स लेके आते हैं जो कम कम जगह लेते हैं. ओके, स्पेस इज एक्सपेंसिव यार. अपार्ट फ्रॉम दैट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, टाइप ऑफ वैन यूज्ड, रेफ्रिजरेटेड वैन है या नहीं है, एसेट्रा. स्पेस ईच प्रोडक्ट विल ऑक्यूपाई, ऑब्वियसली स्पेस तो हर जगह पे आएगा, स्पेस इज वेरी एक्सपेंसिव. अगर चाहो तो यहाँ पर भी पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिख सकते हो, इन दिस पर्टिकुलर केस वेदर द प्रोडक्ट विल रिक्वायर कोल्ड स्टोरेज और नॉट. ज़रा सोचो, अगर वो कोल्ड स्टोरेज है, एग्जांपल के तौर पे अगर सपोज कोई डीमार्ट कंपनी है, वो लोग पनीर भी बेचता है, बिस्किट्स भी बेचता है. क्या मैंने बोला? पनीर भी बेचता है, बिस्किट्स भी बेचता है. सपोज दोनों का जो डब्बा है बिल्कुल सेम है, डब्बा जो है बिल्कुल सेम है, बट पनीर शुड बी चार्ज मोर कॉस्ट. वाई? उसके लिए कोल्ड स्टोरेज लगेगा बॉस, बिस्किट्स के लिए तो नहीं लगेगा. सो देयरफॉर इट डज मैटर. ओके, सो दीज आर द अदर थिंग्स दैट यू ऑल शुड कंसिडर एज सच. ओके, यहाँ पे भी वो वाला पॉइंट आ सकता है और स्टोर्स के अंदर भी ये वाला पॉइंट आ सकता है कि कोल्ड स्टोरेज का जरूरत है कि नहीं है. रिटेल सेक्टर याद रखना इज अंडरगोइंग मैसिव काइंड ऑफ चेंजेस दीज डेज. ओके, सो DPP वॉज एन अटेम्प्ट दैट लेट्स
bring out something for such kind of companies ताकि उनको correct profitability assess करने का chance मिले, okay? And that is whatever we all have been trying to do, okay? Absolutely a new concept. Module ने भी एक ही question डाला, एक या दो question, लेकिन this is something that is gaining popularity a lot. For your exams, it is important. Okay. I'll see you all in the next lecture. Bye.